बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं खाना खाने में, वे सही से खाना नहीं खाते हैं, अपनी डाइट प्रॉपरली नहीं लेते हैं और उसके कारण वे अपने वेट और अपनी हाइट में पीछे रह जाते हैं। और कई पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि वह अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे का जो वज़न है वो नहीं बढ़ रहा होता है और साथ ही वह बच्चा सब कुछ खा भी रहा है फिर भी उसका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है कमज़ोर है, दुबला पतला है, क्यों आखिर उसका जो है वज़न नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा है कि ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बिल्कुल सेफ़ है, डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है और आप लगातार कुछ दिन इस मेडिसिन को देते हैं तो आपका जो बच्चा है उसका वज़न है वो ज़रूर ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों। साथ ही इससे उसकी भूख भी बढ़ेगी, बच्चे की हाइट और वेट को बढ़ाने वाली जो होम्योपैथिक टॉनिक है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर पाटीदार आपका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें दोस्तों दो कंडीशन हो सकती हैं कि पहले कि आपका बच्चा सब कुछ खा रहा है लेकिन फिर भी उसके शरीर को उसकी बॉडी को नहीं लग रहा है, दूसरा कि आपका बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हैं तरह तरह की चीज़ें उसको खिलाने की, घर में बनी हुई चीज़ें या फिर बाहर की चीज़ें भी वो कई बार नहीं खाते हैं, उन्हें भूख ही नहीं लगती। तो दोस्तों इसके पीछे की जो वजह है वह है उसका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि बच्चे का खराब या वीक पाचन तंत्र, दोस्तों वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और जो भी वो खा रहा है वो उसकी आंतों के द्वारा सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए उसका वज़न फिर नहीं बढ़ता, उसकी बॉडी नहीं बनती। और एक और वजह इसकी होती है दोस्तों कि हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों, स्पेशली जो टेप वर्म है वो हो सकते हैं। और बच्चों को इसकी वजह से क्या होता है कि या तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिर भूख लगने लगती है, ऐसे बच्चे हर वक्त खाने की डिमांड करते हैं लेकिन शरीर से वे दुबले पतले ही रहते हैं, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पेट में कीड़ों के कारण बिल्कुल उसको भूख ही नहीं लगती। तो ये दोनों कंडीशन है, अब उसके पेट में कीड़े होते हैं यानी कि वॉर्म्स यदि उसको होते हैं। तीसरा कारण कि बच्चा यदि आए दिन बीमार पड़ जाता हो, जल्दी जल्दी उसको डायरिया हो जाता है, जैसे कि 10-15 दिन वो ठीक रहा, एक सप्ताह ठीक रहा, फिर 2-3 दिन के लिए उसको लूज मोशन हो गया, फीवर हो गया, कफ कोल्ड हो गया, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, तो ये सब कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चों को कुछ भी खिलाने के बावजूद भी उसका वज़न नहीं बढ़ता। यहाँ एक बात और पेरेंट्स को समझनी है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ यदि पैक्ड फूड आइटम जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स आदि खाता है तो ये जो चीज़ें हैं आपके बच्चे का जो पेट है उसको भरा हुआ महसूस कराते हैं, इससे उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है जिसकी वजह से बच्चों को एनर्जी नहीं मिलती, बच्चों के शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती और ना ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, जिसकी वजह से फिर उसकी ग्रोथ, उसका वज़न अच्छे से नहीं बढ़ता है। और यदि आप अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान जरूर से रखना है, जैसे कि आप उसके खाने की टाइम को हमेशा फिक्स रखें। अच्छा यही होगा कि आप नाश्ता, लंच और डिनर फैमिली के साथ एक साथ बैठकर करें। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कि अगर खाने के अलावा आप उसको जब उसको छोटी छोटी भूख लगती है तो उसके लिए आप उसके लिए होममेड चिप्स बना सकते हैं, आलू के चिप्स आप घर पर तैयार कर लीजिए, जब भी बच्चा इसकी डिमांड करे आप उसे दे दीजिए, या फिर जो नट्स होते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, मूंगफली हो गया, मखाने हो गए, पिस्ता दे सकते हैं, काजू बादाम दे सकते हैं, तो इससे आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी, उसकी भूख भी शांत होगी और उसे न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जिससे कि बच्चा फिर फालतू की चीज़ों को नहीं खाएगा। फालतू की चीज़ें जिनमें सिर्फ मीठा और सिर्फ कैलोरीज होती है वो सब चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप भुने हुए चने अपने पास रख सकते हैं, जब भी बच्चे को भूख लगे वो उसे आप दे सकते हैं, आप उसे पनीर दे सकते हैं अगर बच्चा पनीर पसंद करता है। उसके अलावा दोस्तों बच्चे को जो भी फ्रूट्स पसंद है उसे दीजिए जिससे कि उसको विटामिन मिल सके, आप उसको तरह तरह के फ्रूट्स रोज़ बदल बदल के दें जिससे कि उसको न्यूट्रिशन भी फुलफिल हो सके और वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को खाए जिससे उसकी बॉडी को भी फिर वो लगे। दोस्तों खाने में इन बदलाव के साथ साथ आप उसे आउटडोर गेम्स के लिए ज़रूर ज़रूर से मोटिवेट करें। दोस्तों इतना करने के बाद ही बारी आती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको देकर आप अपने
बच्चे का वजन बढ़ाने के अलावा आप उसकी भूख को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप दो तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, या तो आप मेडिसिन के फॉर्म में या फिर दूसरा टॉनिक के फॉर्म में। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। इसकी 10-10 बूंदें सुबह और शाम आधे कप पानी में देना अच्छा होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, ये बच्चों की एनर्जी को बनाए रखेगा, साथ ही बच्चों के लिवर फंक्शन को ये दवा ठीक करती है। बच्चों की आंतों को स्ट्रांग बनाएगी, जिससे कि जो भी वो खा रहे हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इसी के साथ उनके वजन को तो ये बढ़ाएगी ही, साथ में नॉर्मल वेट को ये मेंटेन करेगी। इसके अलावा दोस्तों, होम्योपैथी की एक दवा जो कि बच्चे के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 5-FOS A+ सिरप। कई कंपनियां इस फार्मूले को बनाती हैं, आप इसे SBL कंपनी का ले सकते हैं। इससे हड्डियों का डेवलपमेंट होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता है, साथ ही साथ वह मैक्सिमम अपनी हाइट गेन कर पाते हैं। बहुत ही नेचुरल सोर्स से यह मेडिसिन तैयार की जाती है दोस्तों, और यह दवा इतनी ज़्यादा सुरक्षित है कि आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी, और इस दवा के 5-5 ml आपके बच्चों को देना है खाने के आधे घंटे पहले सुबह और शाम को। इस दवा से बच्चों का जो संपूर्ण शारीरिक विकास है वो होता है, और मैक्सिमम हाइट और वेट वो गेन कर पाते हैं। साथ ही साथ अल्फा अल्फा मदर टिंचर जो मैंने पहले बताया है, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है। दोनों ही दवाइयाँ एज ए टॉनिक इस्तेमाल की जा सकती हैं लगभग 3 महीनों के लिए। 5-FOS A+ सिरप इतना खास क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसमें 5-FOS के साथ साथ इसमें अश्वगंधा है, इसमें एवेनस सेटाइबा मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है। 5-FOS जैसे कि फेरम फॉस है, कैल्केरिया फॉस, काली फॉस, नेट्रम फॉस और मैग्नीशियम फॉस, ये सारे फॉस जो है ये हमारे शरीर के एवरी ऑर्गन को कवर करते हैं, और हमारे जो टिश्यूज अफेक्टेड होते हैं उनके द्वारा जो कमजोरी प्रोड्यूस होती है उसको दूर करने में सक्षम होते हैं। टॉनिक की तरह ये यूज़ किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी बीमारी के बाद कमज़ोर हो जाते हैं उसमें ये बेस्ट वर्क करते हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप किसी और बीमारी के लिए हमसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके और आपके बच्चे के लिए ज़रूर से काम आए। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद।